My name is Sheikh Salman. I am from Siddharth College of Arts, Science and Commerce, Mumbai, Buddha Bhavan, NSS, Volunteer. मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज जो हमारे देश में चल रहा है उसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जैसी बीमारी ने हम सबको परेशान कर रखा है। अरे हम सबको क्या, पूरे वर्ल्ड को परेशान कर रखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बीमारी से हम बच भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये बीमारी हम तक कैसे फैलती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। इसके लक्षण है, सबसे पहले खांसी, सर्दी, जुखाम या बदन गर्म हो तब हमें पता लग जाना चाहिए कि हमें कोरोना वायरस जैसी बीमारी हो रही है। तो आप कृपया करके, मेहरबानी करके जल्द से जल्द दवाखाना जाए, हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर से इलाज कराए और सुरक्षित रहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हम किस तरीके से बच सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ टिप्स तैयार की है, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट टिप्स है मेरी, इफ़ यू फील दैट योर हेल्थ इज़ बैड देन गो टू द डॉक्टर। अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत, आपके जुखाम, आपकी सर्दी ख़राब है, आप अपने बदन को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तो कृपया करके डॉक्टर के पास जाइए। सेकेंड सेक्शन है मेरा, डोंट टच, जैसे अवॉइड टचिंग आइस, नोज, माउथ एंड अनवॉश हैंड। अगर आपके हाथ गंदे हैं तो कृपया करके अपने हाथ को मुंह पर, आँख पर, नाक पर लगाने से बचे। आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके अपने हाथ को साफ कीजिए, फिर जाके अपना हाथ अपने चेहरे पर कम से कम लगाए। थर्ड है, अवॉइड क्राउड प्लेसेस। जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अवॉइड क्राउड प्लेसेस। हमें हर जगह, हर प्लेस पर, भीड़ भाड़ वाली जगह पर बचना है। हमें भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना है, हमें भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना नहीं है, अपने घर में सुरक्षित रहना है। और फोर्थ वन, सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं या बाहर किसी भी लोगों से बात कर रहे हैं, तो कृपया करके एक या दो मीटर का फासला बनाकर ही बात कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे से पूरा ख्याल रखिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, स्टे एट होम। हमारे प्रधानमंत्री के बताए हुए बातों पर, स्टे एट होम, हमें अपने घर में सुरक्षित रहना है। अगर आप चाहते हो कि ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ये बीमारी से हम जल्द से जल्द बच जाए, तो हमें अपने घर में सुरक्षित रहना है। अपने सोसाइटी वालों को भी बताना है, अपने फैमिली को भी बताना है, अपने दोस्तों को भी बताना है कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हेल्दी रहिए। देन यूज़ मास्क रेगुलरली। हमें मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल करना है और हमें मास्क रेगुलरली इस्तेमाल करना है। कुछ लोग होते हैं जो मास्क का बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कोई ऊपर पहनता है, कोई नीचे पहनता है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मास्क का सही तरीका क्या है और वो हमें किस तरीके से पहनना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मास्क पहनने का प्रॉपरली तरीका क्या है। कुछ लोग गलत तरीके से मास्क पहनते, चलिए हम देखते हैं। जैसे कि इस तरीके से मास्क पहनना बहुत ही गलत है, और कुछ लोग इस तरीके से भी मास्क पहनते, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नाक के ऊपर पहनते हैं और मुंह को खुला छोड़ देते हैं, ये तरीका बहुत ही गलत है। तो मैं आपको प्रॉपरली और क्लीन तरीका बता दूं कि मास्क पहनने का सही और क्लीन और प्रॉपरली तरीका क्या है। ये मुंह से लेके नाक तक पूरा ढका हुआ मास्क है, हमको इस तरीके से ही मास्क पहनना है। ये एकदम सही और परफेक्ट तरीका है मास्क पहनने का। कृपया करके परफेक्ट रेगुलर मास्क पहने और अपने मास्क को रोज हैंड सैनिटाइजर से और सोप से धोए और रोज वॉश करके ही अपने मास्क को पहने, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरी चीज़ क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरी चीज़, यूज टिश्यू विल स्नीज। अगर आपको लगता है कि आप बार बार छींक रहे हो, आप अपने छींक पर काबू नहीं कर पा रहे हो, तो कृपया करके रुमाल का और टिश्यू का इस्तेमाल कीजिए।
ताकि आप अपने आप को भी बचा सके, अपने आसपास वाले लोगों को भी बचा सके, अपनी सोसाइटी को बचा सके, ठीक है। और मैं दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यूज़ हैंड सैनिटाइज़र। जी हाँ, यूज़ हैंड सैनिटाइज़र इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमको किसी भी गंदी चीज़ों को छूने से बचना है, या हम किसी भी चीज़ को छूते हैं तो उससे पहले हमको हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। और ख़ास करके ध्यान रहे कि हमको फायर वाली जगह से बचना है हैंड सैनिटाइज़र लगाते वक्त, ठीक है। हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करते हैं, ज़्यादा एक ड्रॉप या बहुत ज़्यादा हो जाए तो सेकेंड ड्रॉप इस्तेमाल कीजिए, और अपने हाथ को अच्छी तरीके से प्रॉपरली ऊपर से अंगूठों से लीजिए, फिर पीछे जाइए, फिर इस तरीके से कीजिए राइट हैंड पे, और फिर दोनों हाथों को अच्छी तरीके से मसलिए। ये देखिए मैंने किस तरीके से किया, और इस तरीके से आपको हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। सो मेरा लास्ट थिंक है कि हैंड सैनिटाइज़र इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और जो मैं आपको लास्ट चीज़ बताने वाला वो है, डिड यू वॉश योर हैंड, हाउ टू वॉश योर हैंड। क्या आप अपने हाथ को धोते हो रेगुलरली? कुछ लोग अपने हाथ को बहुत ही गलत तरीके से धोते हैं, लेकिन हमको हाथ रेगुलरली धोना है। खाना खाने से पहले, कहीं जा रहे हैं हम, वॉशरूम जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, तो हमको हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ हमको उससे पहले सोप का इस्तेमाल करना है। अपने हैंड को हमेशा साफ रखो, अपने आप को हमेशा साफ रखो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग सोप का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि गलत तरीके से इस्तेमाल करना और प्रॉपरली तरीका क्या है हैंड सोप से हाथ धोने का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैंड वॉश किस तरीके से करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एक जन किस तरीके से अपना हैंड वॉश करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। अरे घसेगा उसको। तीन जोकर हैं। देखिए ये तरीका बहुत ही गलत है, हमको इस तरीके से हाथ नहीं धोना। ये भाई ने बहुत जल्दी जल्दी धो लिया अपना हाथ। हट बाहर का, तो पूरा पूरे बॉडी का वीडियो। सो मैं आपको एकदम राइट और परफेक्टली तरीका बताने वाला हूँ कि अपने हाथ को किस तरीके से परफेक्टली धोते हैं। तो आइए देखते हैं। अपने हाथ को 20 सेकंड तक या मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट तक धोइए, और प्रॉपरली तरीका देखिए। ये भाई किस तरीके से अपने हाथ को एकदम अच्छी तरीके से धो रहे हैं, अंगूठे के बीच में डाल रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नाखूनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बराबर पीछे तरीके से धो भी रहे हैं अपने हाथ को। जी हाँ, यही एकदम परफेक्टली और एकदम क्लीन तरीका है अपने हाथ को धोने के लिए। तो ये एकदम परफेक्ट और एकदम क्लीन तरीका है अपने हाथ को प्रॉपरली धोने का। सो मैंने आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ टिप्स बताई है। ये तरीका इस्तेमाल करके हम कोरोना वायरस से ज़्यादा बच सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कुछ बाहर के लोगों से, क्या वो अपने घर में किस तरीके से है, क्या वो अपने आप को सेफ रख पा रहे हैं, क्या वो दूसरों को सेफ रख पा रहे हैं, क्या उनकी सोसाइटी सेफ है, क्या हमारी सोसाइटी सेफ है। चलो आइए देखते हैं, कुछ लोगों से हम बात करके देखते हैं कि वो अपने आप को सेफ रख पाते हैं या नहीं। चलो स्टार्ट 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 सलमान। सो हम जानेंगे इनसे। तो क्या आप अपने बचाव के लिए कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करते हैं। जी तो ये कह रहे हैं कि ये सैनिटाइजर मास्क और सोप का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप अपनी फैमिली को बचाने के लिए, आप अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए, और आप अपने देश को बचाने के लिए आप अपने घर में सुरक्षित रहते हो? हो रहते हो जी। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित रहता हूँ।
तो मैं इनसे अगला सवाल पूछने जा रहा हूँ, आप अपने देश को बचाने के लिए, आप अपने सोसाइटी को बचाने के लिए लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मास्क लगाइए, सैनिटाइजर से हाथ धो लीजिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि लोगों को बचने के लिए सैनिटाइजर से इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोप का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने घर में सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए। थैंक यू सो मच। सो मैं पूछना चाहूँगा पवन भाई से, कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो पवन भाई, तो आप बताइए, आप कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए क्या क्या टिप्स अपनाते हो? टिप्स ये है कि अपने आप को साफ सफाई रखने का, मास्क पहनने का, भीड़ भाड़ जगह पे नहीं जाने का। जी बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि ये अपने आप को बचाने के लिए रोज़ हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, साफ सफाई रखते हैं अपने आस पास वाली जगह और ख़ुद तंदुरुस्त और सेफ रखते हैं। तो मैं अपने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने सोसाइटी को बचाने के लिए आप अपने घर में सुरक्षित हो या नहीं? हाँ, अपने आप को घर में रहते हैं, कहीं आना जाना नहीं रहता। जी बिल्कुल, ये भाई कह रहे हैं कि ये अपने घर में बहुत ही सुरक्षित रहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो मैं पवन भाई आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हो या नहीं? नहीं, कहीं नहीं जाते। जी बिल्कुल, ये पवन भाई से हमें मिलकर बहुत ही खुशी हुई कि ये पवन भाई कह रहे हैं कि मैं भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाता, मैं कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हमेशा सुरक्षित हूँ और मैं लड़ता रहूँगा और जीतेंगे भी हम ही। सो पवन भाई आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, तो कीप डिस्टेंसिंग रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।